बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। तो आज हम बना रहे हैं बीफ़ स्टीम रोस्ट की रेसिपी। तो बीफ़ स्टीम रोस्ट को हम बहुत ही आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। जैसा कि बड़ी ईद आ रही है, तो बड़ी ईद पे गोश्त घरों में वाफर मकदार में होता है, तो इस स्टीम रोस्ट को हम बग़ैर ऑयल के बना सकते हैं, क्योंकि जो ईद का गोश्त होता है उसमें बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, तो इसलिए इसके अंदर हम ऑयल नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसको बग़ैर ऑयल के बनाएंगे। जो बीफ स्टीम की ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें बीफ को पहले ऑयल में फ्राई किया जाता है, लेकिन इसमें चिकनाई वगैरह होती है, तो इसलिए मैं इसको ऑयल के बग़ैर बनाऊँगा। तो ये स्टीम रोस्ट की रेसिपी बहुत ही स्पेशल बनने वाली है, इसको आपने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। इंशाल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी आपसे यही गुजारिश होती है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बीफ स्टीम बनाने के लिए यहाँ पर देखिए 4 किलो गोश्त है, तो इसकी बोटी देखिए बड़े साइज़ की बोटी है, और इसकी कटिंग मैंने करवाई है, तकरीबन ये 200 से 250 ग्राम का एक पीस है। ये देखिए इस तरह का बड़ा बड़ा पीस रखना है, क्योंकि छोटे पीस होंगे तो वो बिल्कुल कचरा से हो जाते हैं। तो इसके अंदर 2-3 नलियां भी हैं, और ये गर्दन वाले पीस भी हैं इसके अंदर। तो ये सारा मिक्स गोश्त है, तो नरम हिस्से का गोश्त है सारा। तो अभी इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने के बाद यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबल स्पून सिरका शामिल करेंगे। नमक और सिरके से ये होगा कि इसके अंदर जो बीफ़ के अंदर स्मेल होती है, बीफ़ की अपनी स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाएगी और ये अच्छे तरीके से वॉश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको इसी तरह से छोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए पहले अच्छी तरह इस तरह से मसाज करेंगे बोटियों के ऊपर, ताकि नमक वगैरह और जो सिरका है इसके अंदर अच्छी तरह जो के रच जाए। तो उसके बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देना है। तो अभी इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अभी इसने नमक और सिरका लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो 1 घंटा छोड़ेंगे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फाइनली 1 घंटे बाद आप इसकी कंडीशन देखें, और ये देखें ब्लड वगैरह पानी इसका सारा नीचे निकल चुका है, ये देखें। तो अभी इसको 3 से 4 पानी के साथ अच्छी तरह वॉश करेंगे बोटियों को। ये देखिए इस तरह खुले पानी के नीचे लगा के इसको वॉश करें, और 2 कप यहाँ पे दही ले लेंगे। 2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून इसके अंदर कुटी मिर्च शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे, और यहाँ पे इसके अंदर 2 टेबलस्पून टिक्का मसाला शामिल करेंगे। किसी भी कंपनी का टिक्का मसाला डाल रहे हैं। 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्च डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून जायफल जवत्री पाउडर शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन अदरक पेस्ट शामिल करेंगे। 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी जर्दा कलर शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करेंगे, और यहाँ पर इसके अंदर 2 टेबलस्पून टमाटो कैचअप शामिल करेंगे। टमाटो कैचअप से ये होता है कि ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह चिपक जाता है गोश्त के ऊपर। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल कर देंगे। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, और मैरिनेशन के लिए जो दही इस्तेमाल करना है वो गाढ़ा होना चाहिए। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक डालना है, क्योंकि टिक्का मसाला के अंदर भी नमक होता है, और पहले भी मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया, तो नमक आपने लेवल कर लेना 4 किलो गोश्त के हिसाब से। यहाँ पर देखें गोश्त को मैंने छाननी के अंदर रख दिया था, पानी अच्छे से इसका ड्रेन हो चुका है। तो अभी इसके ऊपर ये मसाला डाल देंगे। मसाला देखिए इस तरीके से डालने के बाद इसको हाथ के साथ अच्छी तरह इसका मसाज करेंगे। सारी बोटियों के अंदर ये मसाला अच्छी तरह मैरिनेट होना चाहिए, इसलिए आपने इसको हाथ के साथ अच्छी तरह मल मल के इसको मसाला लगाना है। तो तकरीबन ये मसाला लगाने के बाद इसको हमने 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। आप अगर रात को बना रहे हैं तो इसको ओवरनाइट फ्रिज में रखें, और सुबह इसको बनाएं, इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको 3 से 4 घंटे के अंदर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी इसको मैं 8 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूँगा। तो आप इस मसाले की कंडीशन दे सकते हैं, बोटियों के ऊपर मसाला अच्छे से लग चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला लगा हुआ है। तो अभी इसको हम 8 घंटे के लिए रेस्ट देंगे फ्रिज में। तो देखिए दूसरी तरफ 8 घंटे के बाद जब हम बनाना स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर कुकर में बनाएंगे। इसके अंदर 1 लीटर पानी शामिल करेंगे, 1 तेज़पत्ता शामिल करेंगे, कुछ मसाले हैं इसके अंदर, 1 स्टिक दारचीनी है, 2 मोटी इलायची हैं, 5 से 6 लौंग है, 3 से 4 फूल बादियान के हैं। तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये खुशबू के लिए होते हैं, फिर स्टीम कोई भी स्टीम बना रहे हैं तो उसके अंदर खुशबू पैदा करने के लिए खड़े मसाले डाले जाते हैं।
एक स्टीमर लेंगे, स्टीमर के अंदर हम ये स्टीमर के ऊपर ये लगा देंगे फॉयल पेपर। तो ये देखिए इस तरह से आसानी के साथ ये फॉयल पेपर लगा देंगे। तो फॉयल पेपर नहीं है तो आप डबल करके इसके ऊपर बटर पेपर भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर हमने जस्ट एक सुराख करना है। तो अगर आपके पास ये प्रेशर कुकर नहीं मौजूद तो आप इसको ओपन पॉट में भी बना सकते हैं, किसी खुले पतीले में, सिल्वर स्टील के पतीले में इसी तरह से पानी मसाले डाल के ये अंदर ये स्टीमर जाली रखें और उसके ऊपर आप ये बटर पेपर लगाएं इस तरह से जैसे मैं लगा रहा हूँ। तो इस तरह से बटर पेपर लगाने के बाद फिर आपने इसके ऊपर ये गोश्त मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल देना है। ये देखिए मैरिनेट कर किए हुए 8 घंटे गुजर चुके हैं गोश्त को। अभी इसके अंदर ये गोश्त रखेंगे तो देखिए बोटियाँ इस तरह से हमने रखनी है क्योंकि बोटियों का साइज़ बड़ा है, तो प्रेशर कुकर का भी साइज़ मीडियम है। तो 4 किलो गोश्त हमने इस तरीके से रखना है कि सारा गोश्त इसके अंदर अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। तो अभी देखिए इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर लगाते जाएंगे गोश्त। देखिए फाइनली मैंने सारा गोश्त इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। तो कुछ जो बोटियाँ बची हैं वो भी मैंने लगा के और जो फाइनली इसके अंदर थोड़ा सा मसाला था इसकी ग्रेवी वगैरह वो इसके ऊपर डाल देंगे मैरिनेशन। तो ये डालने के बाद अभी इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। सफ़ेद तिल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल डाल रहा हूँ। तो सफ़ेद तिल खूबसूरती में भी इजाफ़ा करते हैं, इसलिए ये सफ़ेद तिल डालने के बाद इसको हम ऊपर से भी बटर पेपर लगाएंगे ताकि प्रेशर कुकर के ऊपर जो छींटे जमा होंगे वो इसकी स्टीम के अंदर से वो इसके मीट के ऊपर ना गिरे। अगर वो मीट के ऊपर गिर जाएंगे मसाला नीचे सारा निकल जाएगा। तो हमने मसाले का भी बरकरार रखना है तो इसलिए इसके ऊपर ये बटर पेपर लगा दिया। अभी प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और ये देखिए इसके ऊपर वेट लगाएंगे और हाई फ्लेम पे इसको 10 मिनट के लिए पकाना है। जब इसके अंदर एक सीटी आने लग जाए ये देखिए इस तरह से, तो फिर उसके बाद हमने इसको फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। बिल्कुल लो करके 2 घंटे के लिए पकाना है। 2 घंटे के बाद अभी इसको खोला है तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह से धुएँ निकल रहे हैं। अभी बटर पेपर उठाएँगे तो स्टीम की आप कंडीशन देख लें कितनी ज़बरदस्त है और बिल्कुल ये अच्छे से टेंडर हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ फाइनल इसकी कंडीशन। तो ये देखिए जी थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल मक्खन की तरह ये गला हुआ है। तो इसी तरह से ये दूसरा पीस ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल मक्खन की तरह गला हुआ है। अभी मैं आपको फाइनली इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ इसके ऊपर हमने और क्या चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर देखें इसको एक परात में या खुले बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए जी तो मेरे पास ये एक ट्रे है, इसके अंदर मैंने इसको निकाल लिया। इसके ऊपर लेमन छिड़क देंगे, लेमन से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़केंगे। अगर आप इसको चावलों के साथ सर्व करना चाहते हैं तो फिर इसके ऊपर आप जस्ट लेमन छिड़क लें, चाट मसाला ना भी डालें तो ये बहुत ज़बरदस्त मील है। तो इसके ऊपर थोड़े से तिल मैंने मज़ीद डाल दिए हैं खूबसूरती के लिए। तो इसको इस तरीके से आप बना के सर्व करें मेहमानों के आगे बड़ी ईद पे तो इंशाल्लाह ताला बहुत इंजॉय होगा, बहुत मज़ा आएगा ये गोश्त खाने का आपको। तो अभी इसको फाइनली एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इस प्लेट में निकालने के बाद अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए गोश्त जो कि हड्डी से खुद ब खुद नीचे गिर रहा है ये इतना ज़बरदस्त है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो माशाल्लाह से ये स्टीम रोस्ट बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार तैयार हुआ है। रान रोस्ट की रेसिपी, मछली की रेसिपी, उसके अलावा ओजरी की रेसिपी, कलेजी की तमाम रेसिपी समीउल्लाह फूड सीक्रेट पे मौजूद है। समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।